हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी ऑफिशियल। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीकॉम सम वन का वो हम करने वाले हैं, तो उसमें से मैं पहला जो आप क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो लेके आया यूनिट वन में से, वो है एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। जो पहला ही क्वेश्चन मैंने टिक कराया था आपको, अगर वो वीडियो आपने दे दिखा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस वाला, तो मैं उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहाँ से जाके आप देख लीजिए कि कौन कौन से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस के मदद से हमको लॉ ऑफ डिमांड क्या करना है, फाइंड करना है या डिफाइन करना है। ठीक है, इसके बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ आपको समझाना होगा। तो जब भी आप कोई एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले क्या करना है आपको कि जब भी यहाँ समझ लो कि क्वेश्चन लिखा है, तो आपको नीचे की लाइन में लिख देना जितने भी टॉपिक आपको मेन लिखने हैं वो लिख, बस यहाँ पे लिख दो कि पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ डिमांड, दूसरा है डिमांड फंक्शन, तीसरा है लॉ ऑफ डिमांड, चौथा है यूटिलिटी एनालिस यूटिलिटी मीनिंग, एंड आखिर में जो मेन क्वेश्चन था हमारा वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये पांच टॉपिक आपको लिख देने पहले, उसके बाद ये टाइटल मानना है कि मीनिंग ऑफ डिमांड। जो पांच टॉपिक आपने लिखे थे ओके, उसको एक एक करके आपको क्या लिखना है, एक एक करके, ठीक है, उसको लंबा चौड़ा करके। पहला है हमारा मीनिंग ऑफ डिमांड। अभी मैं आपको बता दूं कि पहले यूनिट में से आपको कोई भी क्वेश्चन आए डिमांड का लगता हुआ, तो पहला आपको ये जो मैंने लिखा है वो बस छाप देना है। ठीक है, मीनिंग ऑफ डिमांड आपको छाप देना है बस। तो समझते इसको, इसका मीनिंग क्या। द टर्म डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड। द टर्म डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट अ कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेस एट अ वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका मीनिंग ये है कि डिमांड ऑफ कोई भी गुड या क्वांटिटी की जो भी कोई डिमांड है वो क्या है कि कंज्यूमर की विलिंग है, यानी कि तैयारी। ठीक है, वो तैयारी बता रहा है कि ये मैं गुड जो कोई है वो परचेस करने के लिए तैयार हूँ। समझ लो कि कोई टी है, ठीक है, तो वो टी आपको अच्छी लगती हो तो आप उसको पैसे पे करके उसको खरीदना चाहते हो, तो ये आपका विलिंगनेस हो गया। ठीक है, तो उसी को इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। टी की क्या हुई, वो डिमांड हो गई। ठीक है, कोई एक समय दरमियान कोई कंज्यूमर है वो कोई सर्विस या गुड परचेस करना चाहता है, उसके लिए वो पैसे पे करने के तैयार है, तो दैट्स मीन्स ऑफ डिमांड। ठीक है, इन द इकोनॉमिक्स इट रिक्वायर्ड द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस टू बी फुलफिल। अब डिमांड के लिए तीन कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, कौन कौन सी है तो देख लेते हैं। डिजायर फॉर अ कॉमोडिटी, यानी कि कोई भी कॉमोडिटी की डिजायर होने आपको लिए होना ही चाहिए, तभी आप कोई गुड परचेस करोगे। ठीक है, आप चाय खरीदने जा रहे हो लेकिन आपको कोई डिजायर ही नहीं है, कोई आपकी इच्छा ही नहीं है खरीदने की, तो फिर आप नहीं परचेस करोगे। तो पहला कंडीशन बन जाता है कि आपको कोई भी कॉमोडिटी आप जब जाओगे परचेस करने के लिए तो उसका डिजायर होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। दूसरा है एबिलिटी टू पे। अगर अभी हम ह्यूमन है तो हमारे वॉन्ट्स कितने हो गए, अनलिमिटेड हो गए। आपको मर्सिडीज भी खरीदनी होगी, BMW भी खरीदनी होगी, बहुत सारे ऐसे गुड हो गए जो आप खरीदना चाहते हो, डिजायर तो है, लेकिन दूसरा क्या है, एबिलिटी टू पे, यानी कि उसको खरीदने के लिए आपके पास पैसे होने आवश्यक हो जाते। अगर आपके पास पैसे नहीं है, परचेस करने की एबिलिटी नहीं है, तो फिर कॉमोडिटी की डिमांड यहाँ पे बनेगी नहीं। ठीक है, फिर आता है तीसरा और आखिरी, विलिंगनेस टू पे, आपकी तैयारी। ठीक है, आपने आपके पास पैसे है, चलो आपको चाय खरीदने गए, आपकी इच्छा भी है, एबिलिटी भी है कि आप पैसे दे सकते हो, लेकिन विलिंगनेस भी होना चाहिए, यानी कि आप जा रहे हो, 500 रुपये की टी है, चलो आपके पास 500 रुपये पड़े है, लेकिन आपकी तैयारी नहीं होगी, यानी कि आप तैयार नहीं होगे, मुझे 500 रुपये देना ही है, ऐसा मन में होना चाहिए, तभी आप उसको पे करोगे, आप परचेस करोगे, तो दैट्स इज द विलिंगनेस। ओके, आपकी तैयारी पे करने की। तीन टॉपिक थे जो हमने डिमांड में देखे, ये पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ जो था मीनिंग ऑफ डिमांड। अब दूसरे टॉपिक का हेडिंग देना है जिसका नाम है डिमांड फंक्शन। फंक्शन यहाँ पे देखो, dx इज इक्वल टू f ब्रैकेट में px pr y fe gp pn a और डॉट 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 कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो कि डिमांड फंक्शन मैंने लिखा है
उसी का मैंने एक एक करके पूरा मीनिंग लिखा है, ठीक है। देखो पहले डी एक्स यानी कि डिमांड ऑफ एक्स गुड, हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर गुड यहाँ पे नहीं कह सकते, यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई गुड का नाम दे दिया एक्स, ठीक है, डिमांड फॉर एक्स गुड। वो किस पे डिपेंड है, तो देखो पहले एफ लिखा है फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि इसमें से कोई भी चेंजेस आ जाए तो एक्स की जो डिमांड है उसमें चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कोई गुड है उसकी डिमांड में चेंजेस आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने लिखे और कई सारे होते हैं, लेकिन इस सिलेबस में आप इतना लिखोगे तो बहुत है, ठीक है। तो पहला है पी एक्स, पी एक्स यानी कि प्राइस ऑफ एक्स, अगर एक्स की प्राइस बढ़ गई या कम हो गई तो उसके डिमांड में चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। फिर है पी आर, पी आर यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है। मार्केट में कोई एक गुड तो होता नहीं, बहुत सारे गुड होते हैं, ठीक है। तो दूसरे कोई गुड में चेंजेस होने के कारण एक्स की डिमांड में क्या फर्क आता है ये बताता है रिलेटेड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है। तो दूसरे गुड की प्राइस कम हो जाएगी तो यहाँ एक्स गुड की डिमांड में भी चेंजेस आ सकता है, ठीक है। फिर ये वाई, वाई यानी कि इनकम, कोई भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है कम हो जाती है तब भी डिमांड में चेंजेस आ जाता है। एफ ही मीन्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो आप ज़्यादा अभी क्या कर दोगे, प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा परचेस कर दोगे, ठीक है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी डिमांड में चेंजेस ला देती है। पी आता है जीपी, जीपी यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आने के कारण भी डिमांड में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। फी है पी एन, पी एन मीन्स के पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो कोई भी गुड की डिमांड है वो कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादा परचेस करेंगे उसको। और आखिर में आता है ए एडवर्टाइजमेंट, आप टीवी में देखते हैं बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट से भी क्या होता है डिमांड में चेंजेस आता है, ठीक है। और कई सारे होती है लेकिन बस आपको इतनी ही लिखनी है, ये सारी चीज़ें जो डिमांड में चेंजेस ला सकती है। तो ये हो गया हमारा डिमांड फंक्शन, जो हमारा सेकेंड टॉपिक था वो यहाँ पे क्लियर हुआ। अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक पे, तीसरे टॉपिक जो है हमारा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा था देखो, तो पहला हमारा मीनिंग ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया, डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन जो था हमारा वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम जाने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड की तरफ, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, द अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट एज द प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज एंड प्राइस डिक्रीजेज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। प्राइस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब अभी हम चाय की एग्जाम्पल बहुत सारे ले तो उसी का ले लेते हैं। आप चाय खरीदने जा रहे हो, चाय पत्ती खरीदने जा रहे हो, उसकी प्राइस थी 10 रुपये, समझ लो एग्जाम्पल है, सपोज करना है आपको 10 रुपये, और इसकी प्राइस बढ़ के 15 रुपये हो जाती है, तो आपको क्या मन में ऐसा होगा, नहीं खरीदना, चल फिर खरीद लूंगा या फिर कम क्वांटिटी में खरीदो, ठीक है। तो जब प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसकी अपोजिट साइड क्या है कि प्राइस जब डिक्रीज हो जाती है, कि समझ लो 10 रुपये की चाय मिलती थी अब हो गए उसके 5 रुपये, तो आपको क्या करना, आप क्या करोगे एज अ कंज्यूमर, आप क्या हो, रेशनल कंज्यूमर हो, इच्छा ज्यादा हो जाएगी, चलो भाई खरीद लेते हैं, अभी तो 5 रुपये, 10 रुपये में एक आती थी अब 10 रुपये में दो आएंगे, ठीक है। तो आप ज्यादा परचेस करोगे यानी कि प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है, बहुत ही। और अदर फैक्टर्स मैंने लिखे, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, ये अदर फैक्टर्स कौन से है, जो हमने बात की अभी कि ये बात, ये जो है हमारे, ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे अदर फैक्टर्स हो जाते हैं, या रिमेन कॉन्स्टेंट यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, अगर इसमें भी चेंजेस आ जाता है तो मैंने बोला था कि डिमांड में चेंजेस आ जाएगा। तो आपको यही अज्यूम करना है कि ये जो अदर फैक्टर्स है वो रिमेन क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, यानी कि उसमें कोई चेंजेस आता नहीं है। उस चौथे नंबर का टॉपिक जो है, यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड खत्म हुआ, अब चौथे नंबर का टॉपिक जो है यूटिलिटी मीनिंग, ठीक है, इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, तो चले जाते हैं हम यूटिलिटी की तरफ। द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ गुड या कॉमोडिटी इज नोन एज अ यूटिलिटी। अब सिंपली मैं इसको एक आसान से वर्ड में बोल दूँ तो यूटिलिटी मीन्स का सेटिस्फेक्शन, इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, कि आप एक कॉमोडिटी परचेस करते हो तो उससे आपको कितना संतोष मिला, कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वही यूटिलिटी है। और आखिरी टॉपिक जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि लॉ ऑफ डिमांड आपको डिफाइन करना है किसकी मदद से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मदद से, तो मेन टॉपिक अभी हमारा यहाँ पे एंट्री करता है। देखो तो पहले यूटिलिटी का मीनिंग हमने समझ लिया, ठीक है, यूटिलिटी क्लियर हो गया, अभी मार्जिनल क्या है ये मार्जिनल समझना है, ठीक है।
डिमिनिशिंग यानी कि घटता हुआ जो होता है उसको हम डिमिनिशिंग कहते हैं। लो यानी कि नियम। यहाँ पे एक वर्ड बचता है मार्जिनन। मार्जिनन का मीनिंग क्या हुआ? एज अ कंज्यूमर गोज ऑन हैविंग मोर एंड मोर ऑफ अ सेम कॉमोडिटी विथाउट अ ब्रेक, एडिशनल सेटिस्फेक्शन ऑफ अ गुड गोज ऑन डिक्रीजिंग। यानी कि कोई कंज्यूमर है वो एक ही गुड बार बार परचेस करता है, ठीक है, कोई भी ब्रेक या इंटरवल के बिना, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है वो गुड की तरफ से वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि ये मार्जिनल क्या होता है। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि मार्जिनल सेटिस्फेक्शन। चलो कि आपको कोई बंदा है जो आपको ये पहला कप क्या करता है, टी ऑफर करता है कि चलो भाई एक कप तो पीते हैं आज। तो पहला कप आप जब पियोगे तो आपको क्या आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है, बहुत ही बहुत मज़ा आएगा, चलो भाई फ्री की चाय है, मज़ा आ जाएगा। फिर कहता है बंदा कि दूसरी बार पी लो, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था वो मिलेगा, अभी आपको मिलेगा, दूसरी है तो मिलेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, जो पहली बारी में जो मज़ा था उतना मज़ा यहाँ पे नहीं आने वाला, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, तीसरी को टी आपको ऑफर कर रहा है कि भाई पी लेना यार, बहुत पड़ी है घर पे, तू पी जा यार, तीसरी कप भी पी जा। वो इतना फोर्स कर रहा था, आपने पी ली, लेकिन जो पहली बारी में था, दूसरी बारी में था, वो जो सेटिस्फेक्शन था वो तीसरी बारी में नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही वो सेटिस्फेक्शन अपने ले लिया, ठीक है, तो आपको उतना सेटिस्फेक्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। अब वो बोल रहा है कि भाई चौथी पी ले यार, प्लीज़ बहुत पड़ी है। तो आप तो फिर कंटाल हो गए यार, क्या यार चाह चाह बोल रहा है, वो कंटाल गया मैं यार। तो अभी आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन इंक्रीज तो थोड़ा होगा, आखिरी लेवल तक आप पहुँच गए। अब फिर चौथा कप जब आपने ख़त्म किया, वो बोला कि भाई पाँचवा कप भी पी ले, तब ये क्या होगा, डेंजर लेवल आ गया। अब आप गुस्से में हो जाओगे, लाल पीले और बोल दे कि नहीं पीनी बेचा, निकलना यार, तो मगज मत खराब कर यार, कितनी चाय पी लाएगा हूँ। तो यहाँ पे ये सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा, और आप जब पाँचवीं चाय पियोगे तो क्या हो जाएगा, आपका सेटिस्फेक्शन पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। फिर पूरे दिन आप, या बन सकता है पूरे वीक तक आप चाय को हाथ भी ना लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी लॉ यही कहता है कि जब आप कोई गुड है, यानी कि मैंने यहाँ पे टी एग्जांपल ली है, ठीक है, अब जब कोई गुड है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक के ऊपर एक लेते जाते हो, तब उसका जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है, वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। यही लॉ है कि कोई गुड है, सेम गुड है, विथाउट कोई ब्रेक और इंटरवल आप उसको लेते ही जा रहे हो, लेते ही जा रहे हो, लेकिन आखिर में क्या होगा, उसका जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, और आगे चल के क्या वो माइनस में भी जा सकता है। तो बस आपको यही मैंने लिखा है इंग्लिश वर्ड में, बस आपको कॉपी करना है। देयरफॉर द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी जो कर्व है, जब हम उसकी फिगर ड्रॉ करते हैं तब उसकी जो कर्व बनती है क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। और ये इसका क्या है, फॉर्मूला है कि मार्जिनल यूटिलिटी आपको कैसे फाइंड करनी है। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन द टोटल यूटिलिटी, टी यू मीन्स वॉट, टी यू मीन्स टोटल यूटिलिटी, और क्यू मीन्स क्वांटिटी परचेस्ड। यहाँ पे मैं सिंपली क्वांटिटी लिख रहा हूँ, या प्रोडक्शन जो है आपको, ठीक है, टोटल यूटिलिटी और क्यू मीन्स क्वांटिटी। तो ये इसका फॉर्मूला, बस आपको इसको याद रख लेना। चेंज इसका मीनिंग क्या होता है, चेंज होता है, इकोनॉमिक्स में इसका मीनिंग चेंज करते हैं। तो चेंज इन द टोटल यूटिलिटी अपन चेंज इन क्वांटिटी परचेस्ड या क्वांटिटी। अब इसकी हम फिगर पे चले जाते हैं, ठीक है, वो बस हमारा आखिरी टॉपिक होगा, फिगर के बाद ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। चलो फिगर आपको कैसे ड्रॉ करनी है, अब फिगर आपको ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि फिगर में ये y यहाँ पे लिखना है, यानी यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है, और ये ओ एक्स दरी पे आप जो कोई भी लिख रहे हो, क्या बता रहे हो, तो उसका नाम लिखना ज़रूरी है कि यहाँ पे मैंने क्या बताया, क्वांटिटी बताया है, और इस लाइन पे मैंने मार्जिनल यूटिलिटी बताया। उसी तरफ से यहाँ पे भी देख लो कि मैंने यहाँ पे भी बताया कि यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिखा है, और ओ वाई के ऊपर मैंने प्राइस बताया, ठीक है, तो सामने वाले को पता चल जाए कि ये y पे क्या बता रहा है वो, और x पे वो क्या बता रहा है। बस आपको सिर्फ देखते जाना कि मैं क्या कर रहा हूं।
को सिर्फ हमेशा स्केल का यूज करना है. अब समझ लो कि प्राइस क्या है, OP1 है. प्राइस इतनी ज्यादा है तो आप कितना क्वांटिटी परचेस कर रहे हो, Q1 कर रहे हो. यानी कि इतना, जब प्राइस इतनी है तो आप कितना परचेस कर रहे हो, इतना क्वांटिटी परचेस कर रहे हो. ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, बस सेम ही रखनी है आपको, कि आप क्वांटिटी इतना ही परचेस कर रहे हो Q1, तो मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एक कॉमोडिटी की तरफ से आपको जो यूटिलिटी मिल रही है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. पहला कप टी है तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से होगा कि यार पहला चाय सुबह से पी नहीं है, बहुत मज़ा आने वाला है. तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा, इतना ज़्यादा होगा इतनी क्वांटिटी में. ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉ बनाया था मार्शल ने कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स. अब समझ लो कि जो प्राइस है, सपोज मैं यहां पे कर देता हूं, आप हमेशा स्केल का यूज करना है. ठीक है, तो यहां पे प्राइस हो रही है कम होके क्या हो रही है, इतनी थी अभी इतनी हो गई है. तो एज अ नियम, डिमांड का आपको नियम बता है कि जब प्राइस कम होती है क्वांटिटी क्या हो जाती है, परचेस बढ़ जाती है क्वांटिटी. तो पहले आप इतनी परचेस करते हो, अब क्या था इतनी करते हो. ठीक है, OQ1 से आप कितनी परचेस करने लगते हो, OQ2 परचेस करने लगते हो. अभी यहाँ पे जो मार्शल ने नियम दिया था वो क्या हो जाता है, यहाँ पे खंडित हो जाता है. क्यों, क्योंकि आप कितनी प्राइस कम हो रही है, OP2 हो रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी देखो आप, मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है वो प्राइस से ज़्यादा है. यहाँ पे नियम क्या है कि प्राइस जितनी होगी उतनी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी. यहाँ पे देख लो, प्राइस इतनी है और मार्जिनल यूटिलिटी उससे ज़्यादा है. तो अभी क्या होगा कि कोई भी कंज्यूमर है वो ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करेगा. यहाँ पे सपोज कर देता हूँ मैं, बस आपको कुछ नहीं करना है एग्जाम में, बस दोनों की सेम फिगर दौड़ देनी है, ड्रॉ कर देनी है. ठीक है, तो अभी वो क्या करेगा कि OQ2 परचेस करेगा और उसके कारण उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी. क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझा है कि जब कोई कंज्यूमर एक ही गुड़ बार बार परचेस करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, तो अभी वो क्या, पहले इतना परचेस करता था, अब क्या करेगा, इतना करेगा. तो एज अ रिजल्ट उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी, पहले इतनी थी अब क्या इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे देख दो, तो प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे नियम कंप्लीट हो रहा है. अभी फिर से आपको सपोज करना है कि फिर से क्या हो रही है, प्राइस कम हो रही है. प्राइस कम होके यहाँ पे आ गई है P3 पे आ रही है, OP3 पे आ रही है. तो आपको नियम मालूम है कि प्राइस कम होगी तो आप क्वांटिटी क्या करोगे, ज्यादा परचेस करोगे. तो यहाँ पे Q3, ठीक है, पहले इतना परचेस करे अब इतना परचेस करोगे. यहाँ पे फिर से नियम में क्या आ जाता है, खलेल आ जाता है कि अभी आप कितना प्राइस इतनी है और आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है. देखो ये इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और इतनी प्राइस है, तो ये नियम तो बन नहीं रहा है. तो एज अ कंज्यूमर क्या होगा अभी नियम के मुजब, कि कोई भी कंज्यूमर है वो ज़्यादा परचेस करेगा ताकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए. मार्जिनल यूटिलिटी का नियम ही वही है कि अगर कोई कंज्यूमर बार बार वो गुड परचेस करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो पहले इतनी थी, अब उसने ज़्यादा परचेस किया, कितना किया, OQ3 परचेस किया, तो उसी के कारण उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, इतनी थी अब इतनी हो गई. तो यहाँ पे MU3 इज इक्वल टू P3 हो गया, यानी कि जो नियम था वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया. बस यहाँ पे आपकी फिगर कम्प्लीटली पूरी, क्या था फिगर में, कुछ नहीं. अब यहाँ पे जो ये लाइन, इसको आपको ड्रॉ कर देना है. ठीक है, ऊपर की टोच जहाँ पे थी बस मदद से उसको लाइन ड्रॉ कर देना है. इसको आपको नाम दे देना मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, और यहाँ पे जो प्राइस से बनता है वो क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व हो जाएगा, आपको मालूम है. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिमांड, इसको मैंने DD- की तरफ से नाम दे दिया ऐसा. ठीक है, बस यही फिगर थी आपकी. और आखिर में आपको क्या कर देना है, एक डॉट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है, यानी कि इसको सामने वाले को पता चले कि जब प्राइस P1 थी तो मार्जिनल यूटिलिटी MU1 हो जाती थी, यानी कि जो लॉ है ये वाला वो सेटिस्फाई हो जाता है. ठीक है, तो बस आखिर में आपको ये लाइन ड्रॉ कर देनी है. परफेक्ट फिगर की तरफ मैं ले जाता हूँ, परफेक्ट फिगर ये ऐसी दिखती है. ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है.
और आखिर में यहाँ पे मैंने लिखा है कि फॉर अ कंज्यूमर टू बी इन इक्विलिब्रियम ही हैज टू सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन दैट इज एम यू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। ये कोई भी कंज्यूमर है तो उसको ये जो कंडीशन है उसको क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, जो मैंने पहले ही समझा दिया आपको। और आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करना है तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे मैंने इसका पूरा का पूरा जो मैं क्या एक्सप्लेनेशन आता है वो मैंने उसको लिखा है, ताकि आप एग्जाम में उसको कॉपी कर सको, कॉपी यानी कि लिख सको। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आगे वाले जो भी वीडियो आने वाले ये चुटकी में आपको समझ आने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरा जो चैनल है यूनिक स्टडी ऑफिशियल उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको फ्रेंड को भी पता चले कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो IMP है, ओके कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए उसको कॉन्सेप्ट भी ये समझ आ जाएगा। और जो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल आइकन आता है उसको दबाना मत भूलिएगा गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।